तो वहीं पन्ना में बारिश के बाद जल प्रपातों का नजारा अद्भुत हो गया है। मनोरम नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। किलकिला कुंड और बृहस्पति कुंड में लोग भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं। दरअसल इस साल पन्ना में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से प्राचीन जल प्रपातों का मनमोहक नजारा देखने के लिए लोग तरस रहे थे। लेकिन शुक्रवार रात को हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं और प्राकृतिक प्राचीन जल प्रपातों में भी रौनक आ गई है। वहीं झरने को देखने के लिए लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखते हैं हर साल यहाँ लोग झरना देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, मगर इस बार जो है पानी ना गिरने से काफ़ी लोगों में उदासी थी, मगर बीती रात पानी अच्छा गिरने से आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और काफ़ी खुशी नज़र आ रही है लोगों में। किलकिला नदी पद्मावती मंदिर के समीप कुंड जो अपने पन्ना नगर के काफ़ी पास में ही है और बाकी जलप्रपात थोड़ा दूर दूर है, मगर ये सिटी के अंदर ही होने से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। सबसे अच्छी बात है कि कई दिनों और इंतज़ार के बाद बहुत अच्छी बारिश हुई है। पीछे झरना आप लोग देख रहे हैं, बहुत खुला हुआ है, सबका दिल बहुत खुश है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फिलहाल बारिश बहुत अच्छी हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, बादल भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ जो आप देख रहे हैं पब्लिक की खुशी वो देख रहे होंगे आप लोग, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि लोग कितने खुश हैं। तो वहीं मुरैना में कारोबारी की बेटी और उसके दोस्त के साथ पुलिसकर्मियों के जरिए मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मियों ने दोनों से गाली गलौज के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि रात भर लॉकअप में बंद रखा, जिसमें गुस्साए व्यापारियों ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय के बाहर प्रदर्शन किया और आरक्षकों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक रघुराज कंशाना भी व्यापारियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि व्यवसायियों की प्रताड़ना नहीं रुकी तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर जांच कराए जाने का भरोसा दिया है। रक्षाबंधन के लिए दो दिन के लिए अपने घर आया हुआ था, लेकिन जिस तरह हम सिर्फ अपने दोस्त विशाल, आपको कितने पुलिस वालों ने मारा? मुझे दो लोगों ने मारा है, लेकिन लॉकर में जब मैं कोतवाली आया तो चार पुलिस वाले थे मेरे साथ। एक ऐसा जिस मतलब लड़की को छेड़ रहे हो जिस तरह से कि यहाँ से छीन रहा है, एक धक्का मार रहा है, एक कपड़े उतार रहा है, इस तरह की हरकत की गई है, ये कोतवाली है। के साथ पुलिस ने जिस तरह की घटना की, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है। मैं अभी एडिशनल एसपी साहब से मिलकर आया हूं, उन्हें आगाह करके आया हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। व्यापारी की सुरक्षा होनी चाहिए, आम जन की, गरीब बेसहारा लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। जो भैगा हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई थी कि रात को जो हनुमान चौराहे पे भीड़ थी उसने किसी दो लड़कों से पूछताछ वगैरह करी है। प्रथम दृष्टि ये समझ में आ रहा था कि उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन और जानकारी प्राप्त की तो मालूम पड़ा कि उनके संग मारपीट की गई है और उनसे कोतवाली लेके भी आए थे। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल उन दोनों आरक्षकों को निलंबित करने का निर्णय लिया है और एक जाँच उन्होंने तैयार कर दी है, संभवतः दो या तीन में खत्म करके अगर पूरी तरह ये लोग दोषी पाए जाएंगे तो बर्खास्त की कार्रवाई की जा रही है।